लाइफ तो उसके पास पहले मैं डाइट का लास्ट में थोड़ा सा बोलूंगी, चलिए डाइट का बोलू पहले कि वो बोलू, हाउ डू यू वांट डाइट 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 का ये है, डाइट का भी मैथ होता है, मैथ कोई आई डोंट हैव टाइम सो वी कैन स्ट्रेट रन इनटू दिस, यू नो एवरीथिंग इज अ मैथ, मैथ 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 क्यों बोला मैंने, What is math plus minus multiplication division? है ना math एक हिसाब, एक balance. तो हम मोटे क्यों होते हैं और जो लोग पतले होते हैं वो पतले क्यों होते हैं? सिंपल, कितने लोगों को आपने सुना एक्सरसाइज बहुत करते हैं और कुछ इल्लस बिल्लस भी हिलता नहीं है, है ना? The reason why दुनिया का एक्सरसाइज कर लो, the fact of the matter is exercise 10 maximum 20% maximum, मतलब आप अगर जिम तोड़ रहे हो तो है ना, स्टिल दिस विल बिकम जीरो इफ द मैथ इज गॉन रॉन्ग, मतलब आपका पूरा ये 2 घंटे का एक्सरसाइज का एफर्ट कैन बिकम जीरो, 10-20% का चांस भी जीरो हो सकता है, हेंस मैंने बोला मैथ, ठीक है ना? ठीक है, तो इतना जो आप लोग सिग्निफिकेंस और या बहाने बनाते हो कि एक्सरसाइज से तो कुछ होता है नहीं, करेंगे नहीं ये वो नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या है. Weight loss is the result. Benefit of exercise is good blood circulation, good cardio. Cardio का जो है मतलब अपने heart का exercise होता है. So good cardio help. Cardio help मतलब आपका heart भी muscle है. So when you are exercising, so it is pumping good blood, है ना? तो उसमें उस मजबूती आती है दिल में. Because that is also a muscle. Internal organs. जो आप बिना आप ऐसे पड़े रहते हैं सुस्त पड़े, तो सारे ब्लड सप्लाई ऑर्गेन्स में नहीं होता, किडनी लिवर यू नो वगैरह वगैरह और स्प्लीन लंग्स, तो वहां पर ब्लड ऐसे नॉर्मली इट इज लाइक नॉट रीचिंग, बिकॉज हम पे एक तो ब्रीदिंग ही ठीक से नहीं कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन ही नहीं है बॉडी में तो ब्लड कहाँ से पहुंचेगा, और जब ब्लड नहीं पहुंचेगा ऑर्गेन्स में तो ऑर्गेन्स 50% काम करते हैं, 60% काम करते हैं, 70% काम करते हैं, फिर एक दिन पता चलता है ओ 95% ब्लॉकेज, वाओ अभी सुष्मिता से है ना, अरे मेरा तो 20% ही किडनी चल रहा है, अरे भाई इतने साल सो रहे थे क्या? व्हाई? बिकॉज आपका ब्लड सर्कुलेशन ब्लड उधर नहीं पहुंचा है ऑर्गेन्स को, तो ऑर्गेन्स रात में रिपेयर नहीं हुए, रात भर आपने नींद जग जग के बाजू वाले ने कैसा बिहेव किया, हस्बैंड ने कैसा भी, उसके ऊपर जाके आपने निकाली, बट कहाँ पे इम्पैक्ट हुआ? ऑर्गन्स पे, तो नॉट वर्थ इट, बीमार पड़ जाओ तो ना हस्बैंड देखेगा ना बच्चा, सॉरी टू से दैट बट ये रियलिटी ऑफ लाइफ, यू सफर अलोन, हेल्थ इज अलोन सफरिंग, है ना? सिंपल है, मेरे को तो लगता है हेल्थ से ज्यादा ये है ही नहीं, रोजे कयामत का अगर थोड़ा सा नमूना जागना है ना तो बीमार पड़ जाओ, रोजे कयामत की याद आ जाएगी कि कोई भैया किसी का नहीं, खुद की तकलीफ खुद को झेलना है. लिटरली उसका नमूना एक ट्रेलर मिलता है ना आपको, जो कैंसर पेशेंट है ना वो लोग लंबा ट्रेलर देख चुके होते हैं, इतने बेजार हो जाते हैं ना दुनिया से, इतने बेजार हो जाते हैं कि कैंसर सर्वाइवर जो होता है ना, जो कैंसर से बाहर निकलता है, वो पूरी दुनिया को मतलब अभी ठोकर पे रखता हुआ कुछ काम की नहीं, असलियत दिख गई, अगर बच गए तो नहीं तो भैया चल पड़ो. आपकी बीमारी आपको बताएगी कि एक्चुअली दुनिया क्या है. हर बीमार इंसान दुनिया से बेजार है. रोजे कयामत का वही है. क्यों वेट करने का उतना? वही टेक चार्ज ना हो ना, हेल्थ का भी से ध्यान दो. तो एक्सरसाइज इंटेंशन वेट लॉस नो रॉन्ग, आपका मोटिवेशन गलत है, वेट लॉस का इंटेंशन नहीं होना, द इंटेंशन ऑफ एक्सरसाइज इज फीलिंग एनर्जेटिक, फीलिंग पावरफुल, feeling fresh, organs are in place, skin is good, blood circulation on, joint में blood चला गया तो अभी joints सही तरीके से चलेंगे, body में जो pain दुखना दर्द वर्द ये सब है सब ठीक रहता है, arthritis वालों को तो confirm exercise कर, ठीक है? तो exercise का benefit is health, weight loss नहीं, ये please math समझ लो, weight loss कहाँ से आएगा? Food, कैलोरीज, बस ये है मैथ,
वेट लॉस का मैथ है फूड कैलोरी, सिंपल जो भी मुंह में डालोगे उसका कैलोरी है। वो कहीं उड़ रहा नहीं है हवा में, समोसा कहीं ऊपर नहीं जा रहा है। अब एक महीने तो जाएगा जाएगा नहीं जाएगा, ऑप्शन है बिल्कुल, ये बकवास बोलना ही नहीं है बात। समोसा एक महीने रमजान में पेट में जाएगा, बिल्कुल ये रमजान को एक कंप्लीट डिटॉक्स प्रोग्राम के तरह आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये ही दिन, ये एक महीना तो आप एटलीस्ट बॉडी को रेस्ट दो के सारा दिन बॉडी ने यू नो आपका साथ दिया, आपने रोजा रखा, इतनी मेहनत की, जाके कचरा भरना मतलब क्या होगा पता है? आप अपने घर को साफ कर रहे हो, फिर नीचे से जा रहे हो, कचरा ला रहे हो, ये लो, फिर सुबह में उठ के मार घस रहे हैं, साफ कर रहे हैं, फिर शाम होते चलो 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 जाएंगे वहां पे कुंडी रखिए, उसका कचरा भर भर के लाएंगे, फिर फेंकेंगे। लिटरली दिस इज व्हाट यू आर डूइंग टू द बॉडी इन स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड तो इन रमजान। प्लीज टेक रमजान बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपने, मैं आपको रमजान की डाइट भी दूंगी, अभी बोल दूंगी, सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं, इतना सिंपल है कि परेशान हो जाओगे, है ना। मैं तो चाहती हूँ परेशान हो जाओ, ताकि खाने से जो जो लगाव है ना वो निकल जाए, एनर्जी रहे, ये नहीं रहे बस, मतलब बेदार हो जाएगा। कब बोलेंगे बेदार हो जाएंगे ना, ये ही खा के कितना खाएंगे यार। बेस्ट है, ऐसी फीलिंग आ गई तो बेस्ट है ना, करेक्ट। सो फूड कैलोरी इज वेट लॉस, एक्सरसाइज इज नॉट वेट लॉस, एक्सरसाइज इज इक्वल हेल्थ, वेट लॉस इज फूड कैलोरी। समोसा खा लिया, ओ हो कितने कैलोरीज, आई डोंट नो 300 कैलोरी, 250 to 300 calories, आपका डेली, एक तो पहले अपनी एक्टिविटी देखो, सारा दिन बेड पे अपन बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे, तस्बीह पढ़ रहे हैं, और यहाँ से उठ के किचन में गए, हंडी लाए, थोड़ा सा चने, फिर बैठ गए, फिर पानी, फिर थक गए यार, पेट दुख रहा है, थोड़ा सोते हैं, अभी थोड़ा सो जाते हैं, बहुत थक गए दोपहर का टाइम है, बहुत खाना खा लिया, लेकिन आप भी ना खाना खा लिया, अब हमसे कुछ काम नहीं होगा, खाना खा ली तो आप कुछ नहीं, आप मिलते हैं शाम में चाय के बाद, चाय के बाद बात, ठीक है, कैलोरी बर्न हो रहा है, स्टोरी बता रही सबकी, सारा सबकी सच्ची, मैं कैमरा तो नहीं लगाई ना, अरे मैंने अपने लाइफ में कैमरा लगा है इसीलिए पता है, देखा है घर में, सही करती हो, सही है, थक गई, मैं तो बहुत वैसे ऐसे चार जगह देख के थक गए यार, बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं कर, कैलोरी बर्न कितना हुआ ये थकान में 700, मतलब दो समोसे के भी है या। अच्छा अब 300 का तो तुमने एक समोसा खा लिया, पेट भरा उसमें, पेट भरा बिल्कुल भी नहीं भरा, मैथ मतलब 300 का एक समोसा खाया, पेट तो बिल्कुल भरा नहीं, कहाँ गया मालूम ही नहीं पड़ा यार, किधर गया मालूम ही नहीं, तो भूख नहीं मरी, कैलोरी अंदर, अब भूख तो वैसी बराबर की है, अब भाई घर गए वापस से फिर कुछ चल रहा है, अब तो खाना खाएंगे ना, अभी तो वो तो खाली समोसा खाया है ना, बट वो 300 कैलोरी आपने खाने की कैलोरी खा ली है, इन अ डे हाउ मच यू गेट इफ यू आर वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल,
ऐसे उठ रहे हैं बैठ रहे हैं उठ रहे बैठ रहे उठ रहे बैठ रहे हैं भैया 1500 मैक्स, 1200 से 1500, 1200 1200 से 1500, चलो थोड़ा डिस्काउंट ना भाई, तो काउंट है ना। सो 1200 आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, खा कितना रहे हो 3000, ऑफकोर्स खाते हो, दो समोसे खा लो, एक बड़ा ऐसा चिकन का सालन खा लो, पाया खा लो जो तरी वाला है, दो बन पाओ खा लो, मस्का पाव खा लिए टोस्ट पे लाके, नहीं आप आयदर रहो, मस्का पाव से तो अच्छा कुछ है ही नहीं, वही चाहिए होता है, शहरी में वही चाहिए होता है, उसके बगैर मेरा रोजा नहीं चलता, क्या करूँ। रमजान की बात नहीं, बिरयानी खा लिए तो खत्म, वो रिश्ता वाले प्यार जो अपने आ रही है, वाह वाह ऐसी डालते हैं जैसे कि बस ऐसी कुछ है, वरिष्ठा वाली सीख पट रही है, वो तो माँ बिरयानी में ऐसी डल रही है जैसे ऐसे निचोड़ निचोड़ के निचोड़ निचोड़ के अपन वरिष्ठा डाल, फाइटिंग की जरूरत नहीं हुआ क्रॉस दैट एज, लाइफ स्टाइल मतलब ये लाइफ स्टाइल है, वो कुछ ऐसा कुछ डाइट ही नहीं है, है ना। I'll come to that. So, ये मैथ हो गया, आपको मैथ समझ में आया, 3000 2500 तो पक्के आपके जा रहे, मतलब मैं तो बैठ करके बोल रही हूँ 2500 सबके जा रहे, मिनिमम 2500, तीन टाइम खाना खाते 100% ही जा रहे, बीच में चटर पटर अलग है कि नहीं, एक चाय की कप ले लो आप, दो तीन शक्कर चम्मच शक्कर जो जा रही है मीठी मीठी मीठी, 200 कैलोरीज एक चाय का कप पी लो, तीन कप 600 कैलोरी, पेट भरा नहीं भरा, एसिडिटी बढ़ गई, बट 600 कैलोरी बराबर अंदर जमा हो गए, तीन कप चाय पी ली इतनी कैलोरी चाहिए, कितना 1200, 600 तो भाई गए, अब तो तुम देख लो, तो आई एम नॉट जोकिंग दिस, ये जो कैलोरी डेफिशिएंट अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहाँ जाएगा, यहीं पे जाएगा ना, बम में जाएगा, पेट पे जाएगा, सॉरी कहाँ जाएगा, यहीं पर जाएगा है कि नहीं, और जो ये पेट की चर्बी क्लोजेस हार्ट के ओर, जिसका पेट है ज्यादा उसको हार्ट अटैक आने ही है, व्हाई, बिकॉज ये सबसे बुरी गुड, दिस इज स्टिल ओके, ओके, दिस इज योर एनिमी बिकॉज दिस इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट। सुष्मिता सेन का तो प्लान था, सुष्मिता सेन का तो प्लान, या बट वन मिनट, हार्ट हेल्थ इज नॉट नेसेसरीली ओनली रिलेटेड लाइफस्टाइल, वी डोंट नो अवर लाइफस्टाइल, रात में कितना जगना, दिन में कितना सोना, अल्कोहल कितना जाना अंदर, वी डोंट नो हाउ मच अल्कोहल, वी डोंट नो हाउ मच ड्रग्स आर गोइंग, वी डोंट नो हाउ मच स्ट्रेस इज, स्ट्रेस का डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द हार्ट, ब्लड प्रेशर, हार्ट, एंगर, 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 एंगर एज एन इमोशन विल कॉज बीपी, जिसको बीपी समझ जाने का अंदर गुस्सा दबा हुआ है, बीपी हार्ट डायरेक्ट, इन शॉर्ट एंगर, कितना सप्रेस एंगर है, अरे वो तो टीवी पे अच्छे लगते हैं, कुछ 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 अंदर क्या चल रहा है, वी डोंट नो राइट, दैट इज दे आल्सो वेक अप, शिट मैं कैसी जिंदगी जी, एक वो झटका मिल जाता है लकी वाले लोग, जो लकी नहीं होते चले जिनका टाइम है ना, सो दिस हार्ट इज कमिंग फ्रॉम वेयर, एंगर, बीपी, बीपी जिनको गुस्सा, अरे मेरे को गुस्सा ही नहीं आता, अच्छा बीपी है, वन ऑफ माई फ्रेंड ऑन द हॉलीडे, मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता है, अच्छा मनु बोली ठीक है, दो टाइम बीपी का मेडिसिन खा रही हूँ, तो गुस्सा आता नहीं, तो गुस्सा दबा रही हूँ, खाली जाहिर नहीं कर, गुस्सा आ नहीं रहा है, नहीं है आप एक्सप्रेस नहीं करो, आ रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करो, मैं तो बोलूँ जिसको आ रहा है एक्सप्रेस कर दो भाई, एटलीस्ट आउट है, कचरा बाहर फेंको, वर्क ऑन के आना कम चाहिए, नॉट वर्क ऑन के मेरे को एक्सप्रेस नहीं करना, जो दबा 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 के रखते या तो आइदर, है ना। तो फूड कैलोरी मैच समझ में आ गया, तो फिर क्या है, मेजर्ड मेजर्ड ईटिंग हैबिट, मतलब बिरयानी ऐसे चार
चम्मच नहीं आ रही है अंदर, बिरयानी अगर आ रही है तो एक कटोरा ही आएगी, अब उसके बाद नहीं आएगी प्लेट, चावल सिर्फ एक कटोरा जाना चाहिए। लिटरली इफ यू वॉन्ट टू ईट राइस वन, दिस इज इट, 50 ग्राम राइस एवरी मील सुबह दोपहर शाम नहीं, रोटी खाती हूँ या तो चावल खाती हूँ, मैं रोटी के साथ चावल नहीं खाती, चावल के साथ रोटी नहीं। अगर आप 6-4 रोटी खा रहे तो भी आपका कैलोरी वो नहीं, मैं एक रोटी खाती हूँ, ओनली वन रोटी, देन यू शुड बी रियली कैलोरी डेफिशिएंट। वो अपना ये जो जौ येलो निकाल देती हूँ और वो रखे मेरा इतना सहरी है, रोज जब भी रोजा रखती हूँ तो ये मेरा सहरी है। और ऐसा नॉर्मल भी सुबह में उठने के बाद गर्म पानी पी के एक बाउल फ्रूट का, और उसके बाद मैं जो नाश्ता उसने बनाया है मोस्टली रोटी और एग ही रहता है, वो बाद में डिनर डायरेक्ट, लंच नहीं होता मेरा, तो लंच में सिर्फ राइस, इतना ही राइस जितना आपने बोला ना उससे थोड़ा ज्यादा होता है। आपका फिर भी कैलोरी हायर, योर इनटेक इज हायर देन योर आउट, योर बर्निंग, आपका लाइफस्टाइल बहुत ही एकदम सिंपल है, उसके हिसाब से दिस हैज टू गो। ओनली यू शुड टेक्निकली ईट ओनली वन टाइम कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब रोटी चावल एक ही टाइम आप खाना पड़ेगा। तो ये जो तीन टाइम चल रहा है ना, दो टाइम, दो तीन टाइम सुबह में जो खाया रोटी वो, और दोपहर में रात को चावल, बस लंच नहीं होता मेरा। ओके, मेरा फ्रूट जो है वो मेरा ब्रेकफास्ट है, जो एक रोटी और मैंने एग खा रही हूँ मेरा लंच है, और रात को जो घर में खाना बना हुआ वो। रात का फिर यू जल्दी खाओ, नंबर वन समय मैं खाती हूँ 7:30-8 के बीच में, तो फिर द मैथ देखो, फास्टिंग रहता है मेरे, बट ये नॉट फास्टिंग सायरा, अगर मैथ वो हैगा ना, अगर हमारा बर्निंग का कुछ प्रॉब्लम है, बर्निंग खाना वाले नहीं, तो फिर और कम करो, और या तो एक्टिविटी को बढ़ाओ, हमेशा लगता है मेरा पेट खाली है, कभी से लगता नहीं मेरा पेट भर गया है, खाली ही लगेगा, तो एक्टिविटी बढ़ाओ, एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, तो एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, द बर्न हैज टू बी मोर। 14 hours तो मेरा होता ही, मतलब फास्टिंग रात को डिनर के बाद सुबह, बट ओवर फास्टिंग से भी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाएगा, आप रोज फास्टिंग नहीं कर सकते, वो तो वो थोड़ा नाइट फास्टिंग, खाना खाने के बाद सुबह में होता है, वो 14 hours हो जाता है, ठीक है, दैट इज फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट बीच में थोड़ा थोड़ा यू कैन ईट, सो दैट मेटाबॉलिज्म इज क्विक फास्ट, मतलब यू कैन ईट हर दो दो घंटे से थोड़ा भी कुछ मुंह में डाल लिया ना, बट द क्वांटिटी हैज टू लेस, यू हैव टू क्वांटिफाई एवरीथिंग, हैज टू कम टू क्वांटिफाई, पूरा क्वांटिफिकेशन के ऊपर है ये, पूरा मैथ क्वांटिफिकेशन, आपको जो खाना है रिड्यूस द क्वांटिटी साइड टू 1/4 एंड देन आप देखो ड्रामेटिक चेंज, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है आपको थोड़ा लेना, बाकी वेजिटेबल्स बढ़ा दो, फ्रूट्स बढ़ा दो, सैलेड्स बढ़ा दो, ज्वारी बाजरे कम नहीं है, कार्बोहाइड्रेट इज देयर, ग्लूटेन इज नॉट, कार्बोहाइड्रेट इट इज कार्बोहाइड्रेट, शुगर कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट भी कार्बोहाइड्रेट, शुगर भी मैंने लेकिन तो आपको बताया गाय का दूध, भैंस का दूध भी नहीं, गाय का दूध, आपने गुड़ खाया तो आपको उसके साथ न्यूट्रिशन मिलेगा, बट शक्कर और गुड़ में कैलोरी ज्यादा फर्क नहीं है, फ्रिज में रखने के बाद जो ऊपर मलाई आती है ना वो पूरी में निकाल लेती हूँ, जो पतला जो बट स्टिल सायरा योर आउटपुट इज मोर लेस एंड इनपुट इज मोर, तो एक्टिविटी बढ़ाओ ना, एक्टिविटी बढ़ाओ, सो मैंने आपको यू विल हैव टू इनपुट आउटपुट, ये मैंने इसीलिए मैथ पहले ही वर्ड यूज किया, मैथ इनपुट आउटपुट का बैलेंस करना, अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है देन गो मोर डाउन, गो क्रैशिंग डाउन, डोंट डू नॉट ईट एनीथिंग, कुछ वीकनेस नहीं, अगर यू आर फीलिंग द राइट फूड, राइट फूड खा रहे तो वीकनेस नहीं आएगा,
अगर आप उतना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, उतना प्रोटीन खा रहे हो, बट क्वांटिफिकेशन है इतना इतना, सोच समझ के, ठीक है? चीज ऑमलेट खाना है या ऑमलेट तेल में या घी में खाना है या कभी सप्लीमेंटेड विद बॉइल्ड है, तो एटलीस्ट नो द कैलोरी काउंट इज गॉन, बट ताकत है. जवारी इंस्टेड ऑफ व्हीट, तो ठीक है आपका कैलोरी भी उतना होगा बट इट विल कीप यू फुल, आपको कम खाना पड़ेगा, ठीक है? तो उसमें आप घी लगा रहे हो, तेल लगा रहे हो, वो कट कर दो. यू सी दैट यू हैव टू, फूड में कितना घी तेल जा रहा है, दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड. इफ द मेड इज कुकिंग, यू हैव नो क्लू कितना तेल और घी जा रहा है, देन यू आर एट योर, जितना भी खा रहे हो आप, यू ट्राई एंड मेक इट हाफ कट, देन मे बी, बिकॉज सब पूरा गेम क्वांटिफिकेशन है. रिड्यूस द साइज ऑफ योर पोर्शन, ईट जो खाना है खाओ, लेकिन साइज को कम कर दो. मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि डेजर्ट मत खाओ, खाओ ना, पर पूरा कटोरा भर के सेवाई खाने की जरूरत नहीं है, वो कटोरे का साइज श्रिंक करके इतना कर दो, तो माइंड को भी लगेगा पूरा कटोरा फिनिश किया, बट कटोरा साइज इज सो मच, है ना? प्लेट इतनी बड़ी लेने से अच्छे इतनी बड़ी लो, तो लगेगा इतना सारा लिया. और मेक श्योर, वन ऑफ माई वेरी गुड सेलिब्रिटी फ्रेंडशिप और मी, कि मेरा उसूल है कि मैं वापस से सेकंड सर्विंग नहीं लूंगी, तो नहीं लूंगी, तो नहीं लूंगी. शी विल नेवर टेक सेकंड सर्विंग. वो हैबिट आई एम वर्किंग ऑन, बिकॉज कभी मुझे मेरा मूड आया था तो आई विल टेक द सेकंड सर्विंग, वाह, बट शी विल नेवर टेक द सेकंड सर्विंग. दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. वो जितना पोर्शन है वो उतना, वो फिनिश हो गया, भूख है नहीं है, योर आउट. ये क्लास है नफ्स पे ऊपर काबू की बात है ना, समझ में आया? तो बोला अली का भी बोला ना कि अपनी भूख से एक नवा का कपड़ा. अच्छा, बार बार खाओ, बिकॉज मेटाबॉलिज्म आपका रहेगा. आप अगर अभी खा रहे फिर पूरा नहीं एक्स्ट्रा, योर मेटाबॉलिज्म विल क्रैश, बिकॉज आप अगर नहीं खाते हो खाना, तो बॉडी को क्या रजिस्टर होता है, वो शिट अभी खाना नहीं मिलने वाला है, तो अभी पूरा फैट को ना स्टोर कर दो. दैट इज व्हाई आप देखो रमजान में कई लोग वेट पुट ऑन करते हैं, राइट? इफ यू आर नॉट ईटिंग राइट यू विल पुट ऑन वेट, बिकॉज द मैसेज द ब्रेन गिव्स टू द बॉडी, अभी खाना मिलने वाला नहीं है, स्लो डाउन द बर्निंग ऑफ द फैट, बिकॉज अभी हमको फ्यूल चाहिए, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म विल क्रैश. सो व्हाट टू डू, ईट स्मॉल स्मॉल थिंग. एक खजूर खा लो, दो खाली बादाम खा लो, जरूरी नहीं पांच बादाम, मम्मी ने बोला है तो पांच बादाम हर टाइम पांच ही खाएंगे, दो खा लो. एक अखरोट पीस खा लो हाफ, बट जस्ट सो दैट द मेटाबॉलिज्म इज ऑन. वन बिस्किट, आइडियली बिस्किट अवॉइड ही करना चाहिए, बट चलो मन किया कभी तो जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वन थिंग इन द माउंट हर 2 घंटे से, तो आपका मेटाबॉलिज्म विल बी फास्ट. तो ऐसी बेताशा भूख भी नहीं लगेगी, आप तो मतलब ऐसी ऊपर करके चलो अटैक, जो बहुत भूख लगती फिर आप ऐसी अटैक करोगे ना फूड को, तो यू शुड बी इन द मेजर्ड वे, यू डोंट मेक योर सेल्फ सो हंग्री. ऑफकोर्स हमको बोला गया कि भूख लगेगी तो खाना खाना, बट ऐसे मतलब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में भूख लगी खा लो, एंड व्हेन यू आर नॉट हंग्री डोंट ईट, के अच्छा अभी टाइम हो गया भूख नहीं है तो भी खा लिया, अब करना ही है, अब दस्तरखान बिछ रहा है तो यू नो रसम हो गई, अब तो बैठना ही है, नहीं है बैठना यार, आज बॉडी को लग रहा भूख नहीं है, नहीं बैठना. एंड यू विल रियली रियलाइज कि एक मील आपका यूजलेस मील है, यू डोंट नीड दैट, यू सडनली बिकम अवेयर कि मेरे को एक मील के टाइम पर भूख ही नहीं लगती, मैं तो हैबिट से खा रही हूँ. एक मील अपना हमेशा एक हैबिट का मील होता है. इफ यू गो बाय योर बॉडी का इंडिकेशन, व्हेन यू आर हंग्री यू विल ईट, यू विल रियलाइज कि बॉडी इज नॉट सो हंग्री, काफी जमा है अपने पास पचाने के लिए, बहुत जमा. तो हैबिट से नहीं खाना है अपने, कभी ये हैबिट हो गई चलो अभी बिज गया 10 पकवान सबके सामने थोड़ा, तो नहीं नहीं सब लोग खा रहे खाने, तो अभी मुझे भूख नहीं लगी मैं बाद में, ऐसे रियलाइज होगा कि आपका वो एक मील की जरूरत ही नहीं है आपको, आप थोड़ा फिर एक केला खा लोगे तो आपको सफर आ जाएगा, एंड देन यू कैन ईट योर नेक्स्ट फूड.
So you have saved on that calorie. So you have to save on the calorie. The input output has to be measured. Aapka activity kitna hai? It seems there is an app online. भूल गई उसका नाम. यू पुट ऑल योर एक्टिविटी, आपको बता देगा आपका एक्टिविटी बर्न आउट इतना है, फिर इट विल आस्क योर डाइट आपका ये है, तो आपको प्लस माइनस. हेल्दीफाई मी इज एन ऐप ऑनलाइन, आई थिंक एक जगह फ्री भी है ये मेजर, इसको पता नहीं तो आपको बता देगा आपका एक्टिविटी इतनी है, तो कितना कैलरी है एक्टिविटी के हिसाब से, 100,000 कैलरी है, 1500, ईट दैट मच ना. वो पता कर लीजिए आपकी एक्टिविटी के हिसाब से कितना है, वो आ जाएगा ऑनलाइन करेंगे तो कुछ टेस्ट है, अगर मुझे पता चलेगा मैं ग्रुप में भेजूंगी, है ना. सो आई विल सेंड दैट. आपके वेट के हिसाब से भी होता है कितनी कैलोरी, एज, वेट, हाइट, सो इट विल गाइड यू दैट, बट द इट इज ऑल मैथ. एक तो फिटर करके ऐप है, वो भी आप लोग कर सकते हैं, वो सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो सब्सक्राइब करके आप लोग पूरे साल 3-4 महीने को 3,000 लेते हैं फिटर ऐप, लेकिन बहुत बड़ी ऐप है, वो कोच होता है आपको गाइड करता है, फिर एक्सरसाइज देते हैं उन लोग. फिटर ऐप इज रियली वेरी गुड, वेरी गुड ऐप. तो 3,000 for 4,000 rupees फॉर 3 months प्रोग्राम है, वो तीन हर हफ्ते वो आपको कोच भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेगा, बोलेगा 10,000 steps लेना ही है, आप माल घर में चल रहे हो 10,000 गिन रहे हो 10,000, बट इट इज सच अ गुड ऐप. 10,000 steps, 10,000 step का तो प्रैक्टिस डाल ही लो, घर में चल सकते हैं. 1200-1300 steps होते हैं, डिजास्टर क्या होगा हार्ट का आपका, डायबिटीज नहीं, अल्लाह मालिक नहीं है, अभी आप मालिक तो प्लीज. अल्लाह मियां ने क्लियरली बोल दिया कुरान में कि सब कुछ दिया हो पावर अल्लाह मालिक ने, आप मालिक. अल्लाह मियां तो बोलते हैं जैसा जो करेगा वो भरेगा, यही निजाम है बस, है ना, जो करेगा वो भरेगा, ये अल्लाह मियां बोलते, बाकी अल्लाह मालिक नहीं, बाकी आप मालिक हो आपके साथ जो हो, सिंपल है. तो अल्लाह मालिक नहीं है, आप मालिक हो. सो द मैथ ऑफ दैट समझ गया. Now what do you eat? In the morning options क्या है आपके पास? Poha है, scrambled egg है, less oil, olive oil, है ना? Boiled egg, कोई boiled egg बोलता ही नहीं है. Boiled egg, eat two boiled egg. दो boil करके एक खाते फिर एक बबल को दे देते, उसका नहीं खाया जाता है. और फ्राई करते हो तो कितना खाते हो? फ्राई करते हो दो बराबर खाते हो और एक येलो दे देते हो तो जबरदस्ती खाने जो आप येलो देखो भाई मैथ की रूल है, अगर मैथ पक्का होना है तो वो खाना खाना पड़ेगा जो पसंद नहीं है, जो पसंद नहीं है. ओट्स भी अच्छा लगता खाने को, खाओ जो नहीं पसंद है वो खाओ. अच्छा ओट्स नहीं पसंद है ठीक है मत खाओ, जवारी की खाओ, रोटी वो खाओ, जो खाना है खाओ, बट द मैथ हैज टू बी इन प्लेस, है ना. सैलेड खाओ नहीं पसंद है यहाँ खाओ, है ना सैलेड. अब सैलेड बनाएंगे तो उसमें सब 36 चीज डालेंगे तो भी माइंडफुल, अगर वो सॉसेस जा रहे हैं 1000 आइलैंड सॉस, मिंट सॉस डालने का और शहद डालने का, हाँ शहद, बट उसमें शहद डाल दिया, ऑलिव ऑयल डाल दिया, कैलोरी विनेगर में कैलोरी नहीं है, बट आपके शहद में कैलोरी है. चम्मच से खाना शुरू कर दूंगी. सो देन सी देन इफ यू आर यूजिंग दैट देन दैट इज अ मील, डोंट ईट एनीथिंग एल्स. That's the meal. Because you have consumed that calorie. पूरा से वो ही खाने का इतना रखो. कंज्यूम जो कैलोरी, अगर आप सैलेड विदाउट खा रहे हो तो भी उसमें कैलोरी, ठीक है ना. तो अगर भी बिना ऑयल और बिना उसके तो आपको बताओ, अब उससे पेट भर जाएगा, अब वो पेट भर गया तो यू विल नॉट फील लाइक ईटिंग आपका बिरयानी पाया सूप. तो फर्स्ट ब्रिंग द फूड दैट यू डोंट लाइक,
फाइबरस फूड, तो पेट भर जाता है, कैलोरी कम होता है। तो ऐसा खाना चाहिए जिससे पेट भरता है और कैलोरी कम है। मेन फोकस हो फूड पर, जहाँ पे पेट, हाँ पेट खाली नहीं होना चाहिए, पेट भरना चाहिए, इम्पोर्टेंट है कि पेट भर। इसीलिए हाँ डाइट करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बकवास चीज है डाइट। ऐसा खाना चाहिए जो हैवी है और पेट भरा है और आपका फिर देर तक आपको खाने की इच्छा ही नहीं है। उसमें आपका कैलोरी होगा, पेट नहीं भरेगा, ब्रेड से पेट नहीं भरेगा। मॉर्निंग में कोई दो स्लाइस नहीं, अब कन्वर्ट दैट टू पोहा, बहुत पेट भर जाएगा। पोहा साबुत इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन, पोहा इज गुड, और से गुड, पेट भरा रहेगा। और जवारी, आजकल जवारी के वो भी आते हैं ना, आज तो अपना डाइट नहीं गया, सॉरी लिटिल भी डाइट नहीं होगा। जवारी के देखिए, हाँ जवारी के भी आपको वो मिलते हैं, दाने 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 है ना जवारी के, ऐसे जैसे रवा कैसे होता है, ग्राउट्स कुटी हुई जवारी, वो आप पोहा जैसा बना लो। किनोवा मिलता है, किनोवा आप पोहा उपमा जैसे बना लो। कितने ऑप्शन है देखो, अभी मैं ऑप्शन सब लिखते जा रही हूँ, प्लीज राइट दिस डाउन, है ना। किनोवा, किनोवा पोहे जैसा बना लेना। हाँ ये पोहा, ये सब अच्छे टेस्टी बनता है, ये हरी मिर्च कहीं भी मिलता है, हर दुकान दुकान पे सुपर संडे। अच्छा किनोवा का आपको, किनोवा का आटा भी मिलता है, किनोवा का आटा, तो आप रोटी छोड़ दोगे ना, इतना नरम बनता है किनोवा का आटा। किनोवा आटा आप ऑर्डर कीजिए इंस्टेड ऑफ योर रेगुलर रोटी, ग्लूटेन फ्री होता है और नरम, तो इतनी नरम के पूछिए, इतनी नरम, बेहतरीन। कुट्टू का आटा, बकवीट, कुट्टू के ग्राउट्स भी मिलते हैं, वो भी आप ऐसे प्याज टमाटर हरी मिर्ची हरा धनिया नींबू मिर्ची भर के, जो लहसुन जो टेस्ट आपको पसंद है, कच्चा खाने का नहीं, नहीं पका के, ये सब पका के ना। पोहा कैसे पकाते हैं, चीला, नहीं चीला नहीं, पोहा, ये सब मैं ग्राउट्स की बात करी, ग्राउट्स मतलब दाने 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 दाने, लिखो ना सब, हम लोग ये कर लेंगे, है ना सब दाने लिखो, पोहा ये सब दाने ही है, दूसरा ग्राउट्स किनोवा इज अगेन दाना दाना। मौत क्या बोले वो भी लिखना होगा, हम लोग फोटो खड़ा खाने से जावा, ये तो मैंने रवा इज अगेन ग्लूटेन, फुल ग्लूटेन, फुल ग्लूटेन। दूसरा क्या बोले नेक्स्ट, अभी कुट्टू का आटा, बकवीट, कुट्टू राइट, दे विल अंडरस्टैंड। कुट्टू का आटा भी मिलता है, कुट्टू के ग्राउट्स भी मिलते हैं, सब मिलेगा, कुट्टू आटा ग्राउट, सबका आटा ग्राउट है, सबका आटा भी और दाने भी, सबका फॉर्म मिलता है, कुछ नहीं अमेजोन पे जाओ मिल जाए। इसका भी रोटी की ग्राउट्स माने क्या, दाना, दाना पोहा के जैसा बनता है, आटा और रोटी के तरह, आटा इज पाउडर, ग्राउट से अक्का दाना कूट के, 150-200 रुपए किलो है कुछ ऐसा है, गेहूँ के दलिया, दलिया, हाँ दलिया, दलिया, हाँ सुबह कुट्टू की दलिया, जवारी की दलिया, दलिया है ना, ये सब दलिया आपको अवेलेबल। अब दलिया फॉर्म में उसको पोहा जैसा बनाओ या फिर आटे के रूप में रोटी जैसा, ठीक है, पेट भरा हुआ रहेगा, भूख भी नहीं लगेगी। बच्चों को भी दे सकते, ऑफ कोर्स इट्स हेल्दी, किनोवा हेल्दी, तो किनोवा पोहा कुट्टू और सिंघाड़े का आटा आता है, ये सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़ा आटा, दैट इज वेरी गुड फॉर योर बैक पेन, या उसके लिए बहुत अच्छा, तो सिंघाड़े का आटा हो गया, रागी नाचनी, जवारी, बाजरा गर्म होता है बट बाजरा ओके, गर्मी में नहीं खा सकते हैं बट ठीक है, जौ का भी आता है, बारले, तो बारले से भिगा के रखते हैं, इतने सारे ऑप्शन है, किसने बोला खाना अच्छा नहीं बनता यार, ये है ना इतना अच्छा, खाओ सभी खाएंगे, अगर आपके रोटी बनाओ बहुत अच्छा बनेगा, आप पोहा बनाओ इतना टेस्टी बनता है, इन सबका सभी टूट टूट के खाएंगे।
भिगा के रखना पड़ेगा ना थोड़ा, नहीं ना भिगा के डायरेक्ट पका सकते हैं दो बॉईल कर दो अभी, बॉईल करना पोहा के डायरेक्ट बनता है, पोहा डायरेक्ट बनता है, ये पकाना पड़ेगा, ये उसके बॉईल करना पड़ेगा, इट्स हार्ड, बॉईल एग इज एन ऑप्शन, ऐड बॉईल्ड एग, बॉईल्ड चिकन, काला चना भी, नासिक चना, अक्का मूंग, मूंग चिकपी, चिकपी चिकपी रोटी है तो ये है आटे, इतने 50 तो आटे हो गए, रोज एक बनाएंगे हफ्ता गया और लगेगा रोज नया रोटी है ना, दीज आर द थिंग, ये सब पेट भर जाएगा, सैलेड है तो है ही है, रमजान का बताओ फिर सुबह में रोजे में क्या खाने का, वेट वेट कमिंग बिफोर एवरी मील ईट सैलेड, अल्कलाइन फूड, अल्कलाइन फूड पहले जाएगा, एसिडिक, ये सब एसिड करता है, हर खाना एसिड देता है, सिर्फ सैलेड और फ्रूट अल्कलाइन, अल्कलाइन फूड पहले खा लो, अल्कलाइन खाएंगे तो एसिडिटी की शिकायत है, कोई भी फ्रूट खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी सैलेड खाओ कोई प्रॉब्लम, पहले सैलेड पहले फ्रूट खाओ उसके बाद नाश्ता खाना, अपन क्या करते खाना खाते फिर फ्रूट खाते, बंदा है पूरा सड़ेगा, बात मारेगा पेट, एंड देन ही वाज फार्टिंग हॉरिबल फार्ट, रियली आई एम टेलिंग यू, खाना खाओ फ्रूट खाओ एंड देन पेट सड़ते हुए देखो, बिकॉज द फ्रूट विल रॉट, फ्रूट डाइजेस्ट फटाफट हो जाता है ना, अभी ये खाना बहुत देर लगा रहा है, गोश्त खा लिया है ना, गोश्त खा लिया फिर अपन लोग क्या करते पाइन एप्पल बड़े मजे से खाते हैं, उनका टेस्ट चेंज कर लो, अरे यार ही बिफोर यू सी अ लॉट ऑफ ईरानी दे ही लीव पाइन एप्पल ऑरेंज, ये सब खाने के बाद करेंगे, सब खाने के बाद नॉनसेंस, अभी ये गोश्त खा लिया अभी इसको तो 16 घंटे लगने वाले, 20 घंटा लगने वाला डाइजेस्ट, तो अब ये यहाँ पर पेट पे डाइजेस्ट हो रहा है, अभी फ्रूट तो ऊपर सड़ रहा है ना, फ्रूट के फ्रूट 20 मिनट्स, तो ईट फ्रूट गेट डाइजेस्टेड, ईट फ्रूट, तो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट अल्कलाइन फूड, तो यू आर प्रिपेयरिंग योर स्टमक थोड़ा सा एसिड के लिए, फिर डालो कचरा उसमें एसिड फूड का, फिर एसिडिटी नहीं होगी, नाउ योर एसिड्स आर बैलेंस्ड, अल्कलाइन एंड एसिड्स आर बैलेंस्ड, टू मच अल्कलाइन इज आल्सो बैड, बोन के ऊपर हेल्प करता है, एसिड अल्कलाइन का बैलेंस होना चाहिए, बॉडी भी पीएच बैलेंस पे चलती है, 3.5 परफेक्ट बैलेंस है हर चीज का, हमें खा खा के कचरा उसको एसिडिक बनाते, फिर बोलते एसिड हो रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ तक भर दिया डब्बा, हाँ फिर बोलते फटकी डकार आ रही है, गले तक पूस लिया खाना, तो यहाँ पे तो बैठ के डकार ही आनी है ना, यहाँ पर क्या होगा, who is telling you to stop, आपको एसिडिटी नहीं, रात में अनाज खाना छोड़ दीजिए, कोशिश करते नहीं, अगर अनाज छोड़ सकते तो 8 बजे खा लीजिए मैक्स लास्ट, अगर 11 बजे सो गए 3 आवर्स गैप अनाज के बीच में सोने के लिए, कभी कभी चलता है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, वहां लकड़ी मार के खड़ा है, बट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डोंट मेक इट, मैं आज डाइट पे हूं मत बोलो, ये मेरी चॉइस है, अगर मैं ये चूज करूंगी तो मेरे को इसका ये सिला मिलेगा, अगर मैं ये चूज करूंगी तो मेरे को ये सिला मिलेगा, ये मेरी चॉइस है, मैं डाइट पे नहीं हूँ, ये मेरी चॉइस है, मेक इट अस चॉइस, अपनी मर्जी, अपनी मर्जी को उसमें एंगेज करो, एंगेज योर विल, एंगेज कैसे करोगे, बिल्कुल जबरदस्ती से, तो किसी का बात नहीं सुनता है, हम अपनी नहीं सुनते, तो अपनी नहीं सुनते ना, अपनी नहीं सुनते ना, फिर हम तो चाहते दूसरे की भी सुने, क्या बकवास है ना लाइफ, जस्ट इमेजिन खुद की खुद ही नहीं सुन रहे और सोचते हैं कि दूसरे वाला हमारी सुने, अरे अपनी तो सुन ले, अपनी डिसिप्लिन नहीं करेंगे, अपना डिसिप्लिन नहीं करेंगे, अपनी जबान को नहीं संभालेंगे, वेरी डिफिकल्ट, अपना एक्सरसाइज नहीं करेंगे,
अपना काम नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी अपनी खुशी अपने हाथ में नहीं, सब मेरी बात सुनना चाहिए, सब मेरा, ऐसा नहीं चलता था। वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा, तुम अपनी से सुन रहे हो, पहले अपनी तो सुन लो। जब खुद इंसान अपनी सुनने लगता है तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग रिस्पेक्ट करने लगते हैं उसको, लिविंग बाय एग्जांपल हो जाता है, फिर ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है ना। जब खुद की सुनोगे तो सामने वाला तुम्हारी सुनेगा, रिस्पेक्ट करेगा तुम, क्योंकि देखेगा कैसा बाय एग्जांपल जी रहा है ये इंसान, जी रहा है किरदार से। मोरालिटी की बात, अपने अपने कैसे क्यों सुनते हैं लोग, लोग का कैरेक्टर देखते हैं, कैरेक्टर क्यों देखते हैं, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन होता है, वो लोग किसी के ऊपर मोहताज नहीं है। भाई आके मेरी सेवा करो, सुना है कभी ऐसा मजलिस में सुने कि मौला अली बोल रहे हैं मैं वेट कर रहा था कोई मेरे को आके रोटी दे दे और वो नहीं आया, उसके ऊपर कितना गुनाह है, मैं मौला कायनात का मौला और मेरे को आके किसी ने पैर नहीं दबा, ऐसा बोले सुने कभी। तो कहां से सीखे अपन ने कि दूसरे लोग अपने लिए करना चाहिए, बल्कि मौला अली खुद जाते थे दूसरों का देते थे, मेहनत कर रहे हैं, गोनी उठा रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, वो बंदा गाली दे रहा है तो इज्जत नहीं कर, सलाम भी नहीं कर, सबसे बड़ा दुख अपने मौला को क्या कर, कोई सलाम नहीं करता ना बीबी फातिमा की तरह, सलाम नहीं करता तो भी जाके दूसरे का करते थे, है ना। तो ये अपन ने कब सीख लिया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई दूसरा आके हमारे लिए करे, और जब नहीं करता है तो दुखी होके सैड होके बैठते हैं जिंदगी में, कहां किसने सिखाया हमको यार ये, हु टॉट अस दिस बुलशिट। हर मजलिस में ये सुनते जाके बड़े बड़े बेचारे लोग हल्लक सुखा देते हैं, लेकिन कभी हम लोग ने उनकी बात सुनी नहीं, सुनी समझे ही नहीं वो क्या बोल, दूसरा ये करे वो करे ऐसा ना करे, ऐसी बात करे, ऐसा उठे मेरे साथ, ऐसा बैठे, ऐसा मेरे को फोन करे, ऐसा मेरे को पूछे, ऐसा खिलाए, ऐसा खिलाए, भाई काय को, अपने को तो ऐसा नहीं सिखाया लड़बाई, मतलब एग्जांपल लिव बाय एग्जांपल ना, लिव बाय लाइक अली डाई लाइक हुसैन, बड़े बड़े चिपका देते हैं अपन लोग दरवाजों को, उन्हीं लोग पढ़ते लिव लाइक अली डाई लाइक हुसैन, अंदर जाके देखो तो सब डब्बा गोल। मैं तो बोलती हूँ ऐसा मत छिपाओ यार, एटलीस्ट दूसरे को उम्मीद तो मत रखो कि बड़े बड़े खाली डायलॉग के लिए ऐसे बड़े बड़े चिपका देते, दुनिया को क्या बताते, देखो हम लोग लिव लाइक अली डाई लाइक हुसैन, और अंदर खोल के देखो तो सब कितना बड़ा झूठ चल रहा है, अंदर ड्रामे चल रहे हैं अंदर, व्हेन यू विल एक्चुअली लिव नो तो वो चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आस पड़ोस वाले को सबको पता चल जाएगा, हैदर बना के देखो ऐसे यार शिया लोग के पास बस सुकून है लोग के पास, ये अपने लोग रहते तो ऐसा है गड़बड़ बोलना चाहिए लोग, इनके साथ रहो तो एक तो पीस ऑफ माइंड है, क्या यार दो चार बातें है क्या ऐसा। सो आई थिंक लिविंग बाय एग्जांपल, जब खुद की सुनोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी, इज्जत करेगी शायद सुन ले, शायद शायद ना शायद, क्योंकि मौला अली के नहीं सुने तो अपनी क्या औकात, शायद वो भी मैंने बोल दिया शायद, उड़ते उड़ते नसीब अच्छा रहा तो, बाकी नहीं सुनना तो नॉर्मल है। तो आ गए कैलोरी काउंट पे, तो अब हम वापिस हम डाइग्रेस हो गए, तो ये हो गया आपका। तो पहले मैंने क्या बोला, एल्कलाइन फूड देन एसिडिक फूड, ऑलवेज रूल सुबह में फ्रूट फर्स्ट ब्रेकफास्ट लेटर, दोपहर और रात में सैलेड फर्स्ट फूड, बस इतना मैथ काफी है। बिकॉज जैसे आपने सैलेड खा लिया, और मैं चाहती हूँ कि बिना कोई घी लहसुन चीज ऑलिव ऑयल के स्टार्टिंग में ऐसे ही खाओ, बकरी है मेरे को तो बोलते ना तुम बकरी कैसा खाती है रोज, ये मैं बोला हाँ मेरे को नहीं पसंद था ना खाना, जान पूछ के खाओ, क्योंकि ना ब्रेन को रजिस्टर फूड करने के लिए 20 मिनट लगता है, हम कितने मिनट में खाते हैं मैं अपनी बात करें 2 मिनट, मतलब प्लेट पे आए नहीं क्या खत्म,
2 मिनट्स में प्लेट सफा चट ब्रेन ने बोला अभी 18 मिनट क्या करूंगी मेरे को और चलो खाना चाहिए फॉर द ब्रेन टू फील फुल्ली सेटिस्फाइड 20 मिनट लगता है इसीलिए अपने बोलते स्लो खाओ बिस्मिल्लाह बोलो दुआ करो ये क्या है स्लोली खाओ स्लोली खाओ स्लोली खाओ स्लोली खाओ बिकॉज 20 मिनट का फॉर्मूला है वो अल्लाह मैंने ये निजाम रखा है तो जितना स्लो खाएंगे उतना एक तो लगेगा ब्रेन को कि लंबे टाइम तक खा रही चलो 20 मिनट ज्यादा हो गया नहीं बट एटलीस्ट गिव सम टाइम ना 12 मिनट तो लगते हैं 12-15 मिनट आराम से खाओ ताकि ब्रेन रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ इत्मीनान फिर सो इट फील हाँ अभी फीलिंग ऑफ फुलनेस कम्स आफ्टर 20 मिनट्स आफ्टर 20 मिनट्स फीलिंग ऑफ फुलनेस कम्स नॉट बिफोर दैट है ना सो 20 मिनट्स सो ये हो गया तो अब सैलेड प्लस एल्कलाइन प्लस एसिडिक सैलेड खा लिया तो पेट भर गया फिर बाकी चीज भूख थोड़ी सी एकदम कम हो जाती है ड्रॉप हो जाती तो आप इतना अटैक नहीं करोगे एसिडिक फूड क्वांटिफाई करना है कि इतना ये कटोरा लेना है छोटा कटोरा एक्चुअली इतना उतना ही मैं को खाना उसके ऊपर नहीं खाना एटलीस्ट राइस अगर भूख और लग रही है तो आप भले वेजिटेबल खा लो हाँ या तो एक आप सब्जी बन रही है भिंडी की सब्जी है व्हाटएवर मिक्स वेजिटेबल तो मिक्स वेजिटेबल थोड़ा और खा लो ठीक है नॉट राइस चिकन का एक और पीस खा लिया पनीर खा लिया मतलब प्रोटीन खा लिया प्रोटीन से ही पेट भर जाए प्रोटीन खा लिया बट डू नॉट इंक्रीज द पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेट दैट बी स्मॉल राइट कमिंग बैक टू रमजान डाइट नो दिस इज एनी क्वेश्चन ऑन दैट है ना और तभी खाना है जब भूख लगे रियलाइज वो भूख नहीं तो मत खाओ शायद मानो ऐसा हो जाए कि आपको रियली 2 मील की जरूरत है तैयारी में बोला और एक खाली आपका सैलेड से फ्रूट से काम चल रहा है तो आदत डाला मैंने वो और सब हैबिट का गेम सब हैबिट है शुरुआत फ्रूट से करनी है मॉर्निंग में चाय और फ्रूट और हैबिट शायद दो ही टाइम अपने को चल रहा है रमजान बराबर क्यों बैठे बराबर है ये कह रहे हैं यहाँ पे शहरी जिंदा है यार इतने साल बल्कि रमजान ने ज्यादा अपने को पूरा साल की ताकत रमजान ने क्योंकि बॉडी रिपेयर हो जाती है बीच में आप ऐसा खाओ कि मतलब थोड़ा कुछ ऐसे ही लाइट ट्राई करो वो अगर बहुत नए 3 मील है तो ओके अगर इट इज स्मॉल मील छोटे छोटे मील रोजा रख के देखिए वाकई में नहीं होता है तो मत हिम्मत क्यों रुकती है वीकनेस हो जाती है चक्कर आने लगते हैं वीकनेस होती है वीकनेस होती है यदि ये कि दल से खाते खाते से भूल जाते हैं तो बॉडी एक्सेप्ट की इच्छा की चीज को ये है कि अभी एक हफ्ता है तो थोड़ा सा आपका वीकनेस का कारण आपने टेस्ट कराया ब्लड टेस्ट करवाया हेमोग्लोबिन नहीं ट्रायल में थोड़ा कम था हेमोग्लोबिन ठीक है किसी को नहीं आई कैन नॉट रेकमेंड दैट विदाउट डॉक्टर्स परमिशन आपको और हीमोग्लोबिन चेक कर लीजिए B12 D3 चेक करवा के फिर देन बीटरूट खाया करो ना सैलेड बनाओगे तो उसमें बीटरूट डाला करो बीटरूट में शुगर है
बहुत थोड़ा डालने था, थोड़ा डालो ना बीटरूट। बीटरूट में शुगर है और आप कुछ मीठा नहीं खाते हो। कितना बढ़ता है, बिल्कुल खाते हो ना। बीटरूट में शुगर बोल रहे आप कुछ नहीं खाते हो, मीठा शक्कर बिना चाय पीते हो, मेरे को अजान दी। ठंडी में शलगम का था ना, तो मैंने शलगम और दिया बूंदी, जब तक शलगम आ रही थी रोज मैं पानी में भर के 1.5 लीटर बनाती थी, थोड़ा दिन वही पानी पीती थी शलगम और बूंदी का। कैसे शलगम और दो शलगम बूंदी आमला शलगम शलगम लोग बहुत खाते, शलगम अभी नहीं खत्म हुआ, शलगम बूंदी आमला और अदरक डाल के मैं जैसा 2 लीटर पानी का मैं 1.5 लीटर पानी कर लेती हूँ। हाँ, उसको पूरा दिन पीती थी, इससे भी ज्यादा है ना, डिटॉक्स जैसा होता था, पेट साफ होता था, पूरा ऐसे भी नहीं रहता, ऐसे भी वापस दूधी दो दूधी मतलब इतनी दूधी ले लेती थी, और उसमें दो शलगम छोटे होते थे, हाँ शलगम दूधी और एक टिंडा आता है, टिंडा टिंडा और अपना आंवला और थोड़ा अदरक का पीस। मैंने 1.5 महीना मैंने यही किया है, एवरी डे मेरे यहाँ बनता था जग में भर के, और जब वो पानी ठंडा हो जाता था उसके अंदर एक पकड़ी काट के और थोड़ा ये अपना पुदीना डाल के उसको फ्रिज में रख देती थी, अगले दिन सुबह से उसको पीना शुरू करती थी। कितना अच्छा डिटॉक्स होता है उससे, शलगम बंद हो गया। कुछ और डालो, उसका वो कॉम्बिनेशन है शलगम का और इसका, दूधी शलगम और टिंडा और आंवला, ये आंवला भी चाहेगा थोड़ी दिन, आंवला भी नहीं मिलेगा। दूसरा पानी बनाने का रखना, उसको अलग बनाने का, मेथी का उसका पानी, फिर वो पानी बनाती हूँ मैं, वो 1 लीटर 2 लीटर बना के फिर वो पूरा दिन वही पानी पीती हूँ, वो एक अलग है पानी मेरा, और ये अलग पानी अभी सीजन आया तो मैंने ये पानी शुरू किया। खीरे दूधी का पानी पियो डायबिटीज वाले लोग के लिए, आप जूस पियो दिन में 3 बार, वही इलाज है दूधी का, इलाज है। बहुत बड़े हाकिम थे और बहुत दिनदार भी थे, तो उन्होंने बताया था कि कोई भी कुछ भी बोले ना कि ये इलाज है वो इलाज है, कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज सिर्फ दूधी है, 3 बार में दूधी का रस पियो। एक बार ये बहुत कमजोर को इसको बैठ गया, डर बैठ गया मेरे लॉज में, तो खाना सास खाना जूस दूधी का जूस पी के दोनों एक साथ, तब से लोगों को थी करते ही होती है तो डायबिटीज के लिए भी करो बहुत अच्छा। आपको ये रमजान आई डोंट नो कितना खाते हैं, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं, बिकॉज मैं मेरा फिक्स है, बहुत लोग खाते हैं, बहुत खाते हैं लोग, आई डोंट और एक ऐसे डिंग की गोली लेना पड़ता है जिसको सर दर्द इतना होता है, वो दूध ले ये बहुत कम है आपका। पहले मैं दूध रोटी खाती थी, कभी दूध सिर्फ दूध में वो डाल के क्या बोलते हैं, बॉम्बे में जैसे हम लोग को मिलता था ऐसा कुछ लच्छे मिलते थे, और दूध में डाल के रात को रख देते थे, फिर वो अच्छा खाने वाला था। मैं तो दूध और केला खाती थी, दूध के अंदर गरम करके उसमें केला डाल के खाती थी, दूध चले के खाती थी, ये सब खाती थी। अभी जब कुछ हवन में मिलता नहीं ना, तो फिर अंडे पे आ गई मैं। सो एसेंशियली
बनाना कॉर्नेस्ट इससे प्यास नहीं लगती मिलाना नहीं है मिलाना नहीं हम जस्ट सेम सो बेसिकली आपका अगर हाँ ये मिलाना नहीं है बनाना और कर्ड इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये दो चीज से प्यार कभी बनाना कभी कर्ड ऐसे नहीं नहीं ऐसे नहीं को बोले थे ना एक बार आपने क्या इसका ना वो मखाने मखानों का कुछ बोले सो नमक कम करना चाहिए नमक इन द मॉर्निंग शुड नॉट ईट बिकॉज़ उससे प्यास लगेगी तो खाइए लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस मैनेज करने के लिए मतलब बॉडी में सॉल्ट और शुगर का बैलेंस मैनेज करने के लिए थोड़ा सा मे बी लिटिल यू कैन जस्ट वजन कम नहीं करता है कैलोरी काउंट ही वजन कम करता है बाकी कुछ वजन नहीं करता मायने छोड़ दो बिकॉज कम करता होता आप एक चम्मच में ना खाओगे खाओगे तो इतना वो अलग बात है उसके प्रोटीन वो खाना वो नमक ज्यादा खाना है ब्लोट करता है बट नमक वेट लॉस नहीं करता वेट लॉस में कैलोरी काउंट सो व्हाट यू हैव टू डू कर्ड एंड बनाना एवरी मॉर्निंग लेना ही चाहिए क्योंकि आपको प्यास नहीं लगेगी नमक एकदम हल्का सा तो डिपेंड आप कितना खा रहे हो तो फॉर एग्जांपल आइडियली दो बनाना डेट्स टू बनाना एंड कर्ड के अंदर मखाना सूखा मतलब रात में ही भिगा दो कर्ड और मखाना और हनी बट दही से प्यास नहीं लगे दूध तो आई कैन नॉट गिव गारंटी भाई अभी कितना एनर्जी चाहिए डेट्स खा लिया बनाना खा लिया मखाना खा लिया इससे ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए एनर्जी अनाज से नहीं आती है दिमाग में तो ये ना क्या पराठा खा लेते और पेट का पेट भर गया तो आपका गलत फहमी गलत फहमी चेंज करना है बाकी लोग अच्छे हमसे काम करना चाहिए ये सब हमको बचपन से सिखाया है ना रोजा खोले के बाद बाकी लोग करेंगे तो ही हमको खुशी मिलेगी बाकी लोग होने चाहिए तो ये हमको बचपन से कंडीशनिंग दी है वो अच्छे से बात नहीं करेगा तो उससे रिश्ता तोड़ दो बचपन से सिखाया है ना ये तो सब हमने माँ बाप को देखो हमारी हिम्मत कैसा हुई उसकी मेरे से ऐसे बात करने की यू नो फिर बड़े बड़े छोड़ दिए डायलॉग है ना ये तो सब बचपन से सीखा ना यही तो तोड़ना है ना ये बेवकूफी और यू नो एकदम जहालत को दो से पांच के बीच में जितना भी है टू टू फाइव डेट्स दो बनाना कर्ड प्लस मखाना प्लस हनी एंड अगर फिर भी भूख जिसके हिसाब से ड्राई फ्रूट डालो मिक्स ड्राई फ्रूट इसमें अगर आपने किशमिश डाल ली तो बहुत अच्छा है किशमिश इज वेरी गुड फॉर ऑल आपका एनर्जी का किशमिश हो गया और अंजीर हो गया क्या इसमें और चिरौंजी चिरौंजी को क्या बोलते हैं चारोली डाल दो फैंटास्टिक बस ये मेरा 30 डेज का स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कुछ नहीं और मेरे को 5 मिनट लगता है सहरी में मैं नमाज पढ़ती हूँ सहरी में सहरी में ज्यादा टाइम लगा ये रात से प्रिपेयर कर दिया ये तो होता ही है ये तो होता ही है ये निकाला फ्रिज से ये निकाला सब सब ठंडा है कुछ भी गर्म मैंने वो मेरा गैस नहीं हो गया चाय बन रही है कॉफी बन रही है पराठे बन रहे हैं अंडा बन रहा है कुछ नहीं बन रहा है यू नो मेरा व्हाई आई एम नॉट सेइंग आप लोग कर सकते हो अंडा बना सकते हो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम यू कैन ईट टू इट रात को मेरे बनाकर सो रहा था लेट मी फिनिश सायरा टू एग्स यू कैन ईट इट्स बेटर यू बॉइल एग
ओके नॉट अ प्रॉब्लम आई हैव अ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम के आई डू नॉट हैव टाइम टू डू दिस डू कट पार्ट लॉजिस्टिकली इट्स नॉट मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं और मेरे को ना इतना टाइम किचन में खुदा नहीं दे रहा है आई रादर गिव माय नमाज इतना टाइम नहीं है फिर नींद या तो फिर नींद से जग के किचन में लगे रहो तो प्रायोरिटी है पहले नींद है प्रायोरिटी नमाज है प्रायोरिटी नींद है प्रायोरिटी किचन में लग के यू नो हंडी हिलाना इज नॉट माई प्रायोरिटी ऑनेस्टली आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो लॉजिस्टिकली मेरा प्रॉब्लम है कि मैं किचन में जाके गैस नहीं मुझे नहीं आता मेरे पास टाइम नहीं है सबके लिए आई वॉन्ट टू डू क्विक फास्ट टक 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 ओवर आउट फिनिश ताकि मेरा नींद कॉम्प्रोमाइज नहीं हो मैं आधा घंटा एक घंटा उठ के किचन में कर रही हूँ इतना अच्छा मैं खो जाऊँ ये फुल है ये आपको भूख ही नहीं लगेगी और ना प्यास लगेगी द बेस्ट पार्ट एंड आपकी मगजमारी नहीं है रोज उठ के आप क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो और शॉर्टकट मारना है रात से बॉइल कर दो तो सुबह में उठ के सबको भैया लो खाओ खत्म करो टाइम पास टाइम मत वेस्ट करना एक बार उन लोग भी खाने में उन लोग को लगा रहे पेट सही रहता है एक्टिविटी नहीं होती है पेट भरा रहता है ताकत रहती है वीकनेस नहीं होती है चल जाता है मतलब आपको दोपहर तक तो आप आराम से खींच लो 5 बजे के बाद थोड़ा जो रोजा लगना होगा तो लगा वो फिर इट्स अ मैटर ऑफ 2 आवर्स फिर आप सो जाओ पहले नींद से आप अपना एनर्जी गेन कर दिस विल सी यू थ्रू ये डाइट स्टैंडर्ड एंड नो वेस्टिंग सेकेंड रोजा खोलते ही हाँ रोजा खोलते ही फिर पहले तक पकवान आ रहा है फ्राइड ये तो फ्राइड की हैबिट से मुझे खुद को निकलने में कितना टाइम लगा मतलब एक माइंडसेट था कि कांदा भजिया जब तक नहीं मिलेगा मिर्ची के भजिए नहीं मिलेंगे लगता ही नहीं इतना तो आना ही चाहिए बनता ही है या तो मतलब भजिया चाहिए कभी मिर्ची के बनते खाओ ना खाएंगे ना थोड़े एक और दो दिन खा लो एक दो खा सकते ना नहीं नहीं एक रोज मत खाओ एक दो दिन हफ्ते में एक दो दिन अभी क्या प्रॉब्लम है हमारा सबका प्रॉब्लम ये है तो रोजा खोलेंगे तो खाएंगे पर चिमर मस्त एकदम पूरा स्नैक्स फुल प्लेट आ रहा है फिर रात में खाना भी खाएंगे ये बहुत टाइम लगता है इम्प्रूवमेंट है ये आसान नहीं है ये जितना भी बोलो आसान नहीं क्या होता है कि अभी हमारे नमाज पढ़ना होता है 7:30 बजे बट अभी वो बोलते हैं कि नमाज नहीं बस बोलते ही पढ़ रहा हूँ मैंने ये मैं भी ऐसे करती थी पर क्लियरली एक खजूर खाते पहले नमाज रोजा खोलो फिर ही नमाज पहले नमाज पढ़ो फिर रोजा खोलो मस्त है पहले नमाज पढ़ो फिर रोजा खोलो बहुत अच्छा थॉट है बहुत अच्छा थॉट है बट इट इज नॉट जो सही करना पड़ेगा आप बोल रहे हैं जो मैंने सुना जो मौलाना बोलते हैं मैं वो बता रही हूँ मौलाना ना वही बोलते हैं नमाज पढ़ो पहले लास्ट ईयर मैं भी ऐसी करती थी लास्ट ईयर
लास्ट ईयर तक आई वॉज डूइंग द सेम थिंग बट आई गॉट करेक्टेड एंड सिंस देन ऑनेस्टली आई वुड वांट टू डू इट आफ्टर प्रेयर. मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है पहले मतलब रोजा खोल के. मेरे को द लॉन्गेस्ट टाइम मैं ऐसे ही करती थी कि पहले नमाज पढ़ के नमाज पढ़ के बट आई हैव चेंज्ड बिकॉज़ I have understood that this is how it works. That you have to एक खजूर से वो करके and then you have to open your roza. So what you do? आपने खजूर से roza खोल लिया, पानी पी लो. Now drink a warm water here. First water should be warm. So आपने पहला आपका पानी पी लिया, खजूर कर लिए, फिर नमाज पढ़ ली. ट्राई विथ वॉर्म वाटर पहले डिफिकल्ट है पर ट्राई ट्राई वॉर्म वाटर रोजा खोल के पहले गर्म पानी पीजिए. गर्म मतलब कुनकुना टाइप पानी पी लो. गर्म मतलब फिर डेट्स आपने डेट से या खजूर से वो खोले आपके नमाज होगी उसके बाद तीन रकत आपने पढ़ ली. फिर देन आपका जो भी अगर दाखी बात करते हो बीच बीच में देन इन बिटवीन आपका जो एक फ्रूट खा लो आप नमाज रख लो आप एक वाटरमेलन बोलो या एप्पल व्हाटएवर. सो देन यू आर बेसिकली इन बिटवीन मगरिब इशा यू कैन ईट फ्रूट. तो आपका फ्रूट प्रैक्टिस दैट आप कर सकते हैं. Then you come out of it because एक बार नमाज खत्म हुई तो your mind is फ्रूट एक साथ में खा सकते हैं. You can attack. You want to just by उसके बाद don't I'm not interested in food. Sorry. तब इतना भूख लग गई अभी चलो यार ना. So this is the best time. रोजा खोलिए. Immediate eat your food. Hot water पी लो. Fruit over. So your body is now ready to receive properly. You are preparing your body. Alkaline से आपने body को prepare कर दिया है. हाइड्रेशन से प्रिपेयर कर दिया. डेट्स इज वेरी एल्कलाइन उससे प्रिपेयर कर दिया. नाउ यू प्रिपेयर द बॉडी टू रिसीव एसिड. तो नमाज हो गई बाय आपकी नमाज भी हो गई और आपका फ्रूट भी हो. इंस्टेड ऑफ दैट वार्म वाटर कैन वी हैव शरबत दूध का मिल्क का. नहीं तो आप कौन से कहां जा रहे हो. शरबत तो बनता ही है ना. दिमाग को बना रहे विश्व डाल दी शरबत. You have all आपको जो करें बाद में पहले गर्म पानी से स्टार्ट. फर्स्ट प्रिपेयर योर बॉडी. इसीलिए मैंने बोला प्रिपेयरिंग योर बॉडी. फर्स्ट प्रिपेयर योर बॉडी. ये गर्म पानी हो गया फ्रूट हो गया उसके बाद बिकॉज मिल्क इज ऑल्सो योगर्ट इज गुड दही इज गुड. मिल्क इज नॉट मिल्क इज अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी. इंटेस्टाइन के ऊपर मिल्क का अलग इफेक्ट होता है कर्ड का अलग. तो कर्ड इज डिफरेंट मिल्क इज डिफरेंट. तो आप इमिजिएटली डोंट एकदम हैवी चीज फर्स्ट यू डोंट पुट हैवी थिंग. पूरा रेस्ट हुआ अभी बॉडी को. आप ऐसे गाड़ी को आप फुल स्पीड पहला फर्स्ट गियर डालते हैं सेकंड गियर डालते हैं थर्ड गियर डालते हैं आप पूरा फोर्थ गियर में फिफ्थ गियर में गाड़ी नहीं आप पिकअप कर सकते हो ना. तो यू आर प्रिपेयरिंग द बॉडी बाय फ्रूट स्लो डाइजेशन बट आप नमाज भी चल रही है आपको फ्रूट हो गया फिर उठ के आपने थोड़ा फ्रूट खा लिया या खत्म. देन यू हेड टुवर्ड्स आपको चाय पीने का मन करे. टिपिकली ये होता है कि सर दुखता है बहुत चाय चाहिए आपको ना. चाय के साथ आप भले थोड़ा सा आपको वो जो सॉल्ट क्रेविंग है ना हमको ये क्यों तेल खाने का मन करता है क्योंकि हमारी सॉल्ट क्रेविंग बढ़ जाती है. ठीक है तो आप ऐसा स्नैक्स बनाइए जिसमें आप फ्राइड नहीं तो आपका सॉल्ट क्रेविंग और चाय के साथ हाँ आप थोड़ा पोहा बना लिए बट पोहा फिर अगेन कार्बोहाइड्रेट होगा ना. हाँ चलो ठीक है पोहा बना लो नो प्रॉब्लम. बट तो एक स्नैक ऐसा अगर चाहिए तो चाय के साथ एक छोटा सा कटलेट. आई थिंक कटलेट बेस्ट होता है क्योंकि वो फ्राइड भी नहीं होता और उसमें और मजे भी आता है और वो क्रेविंग भी चली जाती है पकौड़े की क्रेविंग कटलेट में या कभी शाम में दही बड़ा इज फ्राइड. दही बड़ा इज फ्राइड इट्स नॉट हेल्दी. सो कटलेट इज हेल्दी शामी कबाब इज हेल्दी थोड़ा सा ऐसे या पोहा या मखाना मसाले वाले मखाने समथिंग लाइक दैट यू नो
सॉल्ट क्रेविंग चाय के साथ एंड मैडम इट इज सच अ हॉरिबल डिश स्प्रिंग रोल. एक बार तो ट्राई करने पड़ेंगे आपको ना, पड़ेंगे मैं नहीं हूँ फैन. आई एम नॉट द वन सॉरी. आई कॉल फॉर माय पार्टीज नॉट रेगुलर. ऐसे मनाने शुरू करो. ऐसे शामी के पास तो मेरे यहाँ रोज है. बोला था ना आपसे तो हम लोग हमेशा बनाते हैं. चने चने की दाल बहुत हेल्दी है. चीला बना दिया, डोसा बना दिया, इडली बना दी. इडली और चटनी रख लो ना, अच्छी मिर्ची वाली इडली तीखी चटनी बना लिया. तीखी चटनी बना लो, वेरी गुड. तीखा से आपका मेटाबॉलिज्म आपका एकदम किक करेगा. हरी चटनी आप खाओगे ना तो आपका मेटाबॉलिज्म फटाक से बूस्ट करता है. और हरी मिर्च और हरा धनिया बहुत, हरा धनिया वेरी गुड फॉर किडनी. तो आप इडली बना लो और ये चटनी भर तो आपका वो टेस्ट जो क्रेविंग है वो. ढोकला बना लो, ढोकला इज एन ऑप्शन, पात्रा इज एन ऑप्शन, मुठिया इज एन ऑप्शन. सब स्टीम्ड है. सब स्टीम को आपको फिर सिर्फ थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है. राय, जीरा, लहसुन, अदरक, ये कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, पात्रा वात्रा बनाने ये सी, ये सब बाजार से ले आओ. यू नो पात्रा, ढोकला. ये ढोकला तो आपका डोसे का आटा का बना लो, स्टीम है ना. ये अपने मुठिया, आप ये मुठिया बना लो, दूधी को घस के उसमें बेसन और रवा डाल के उसके ऐसे रख के स्टीम कर दो और फिर काट के उसको शैलो फ्राई कर दो. सो ये सब आइडियाज, बहुत आइडियाज है. स्टीम जो है वो चिकन का या मटन, एनीथिंग नॉट अ प्रॉब्लम, एनीथिंग नॉट अ प्रॉब्लम. ये थोड़ा सा जैसे आपका क्रेविंग को शट डाउन कर. आपने पहले गर्म पानी पी लिया, ऑलरेडी आपका क्रेविंग कम. आपने वाटरमेलन खा लिया, ऑलरेडी नाउ द स्टमक फील गुड. सो नाउ यू फील इट. देन बेस्ट थिंग टू ड्रिंक शरबत इज नॉट मिल्क का शरबत, सब्जा का, चिया सीड. चिया सीड आप लोग खा लो, आपका स्किन चिया सीड सब्जा. सब्जे का आप गुड़, नींबू, रुअर का भी नहीं, गुड़, नींबू और रुअर, ये अपना चिया सीड या फिर सब्जा. अभी गर्मी में सब्जा खा लो, बेस्ट है सब्जा, बेस्ट. तो आपकी भूख तो मतलब ऑलमोस्ट गायब है यहाँ पर. पहले गर्म पानी, गुड़ को नींबू, हाँ गुड़ पाउडर ले लो, नींबू और सब्जा. वो ड्रिंक रख लो अपना शरबत. आपको पीना, ये शरबत ही हो गया, 30 days शरबत पी हुई, 30 days शरबत. और काला नमक डाल दो. नींबू अगर नुकसान देता है तो आप रुअसा डाल लो. और खटास चाहिए तो आप चाट मसाला डालो. और खटास चाहिए तो थोड़ा सा आप इमली भी डाल, आंवला का पाउडर. और खटास चाहिए तो आप कैरी का बनाओ, कैरी पन्ना का बनाओ. कैरी पन्ना, आंवला का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता. कैरी पन्ना, कैरी पन्ना आप 30 days कैरी पन्ना बनाओ. मिला के खाते तो 3-4 दिन कैरी पन्ना, एक दिन बनाओ, 4 दिन कैरी पन्ना चाहिए. ऑप्शन बहुत है, आपने आपको एक्सक्यूज देना बंद करो. तो अभी क्या, पहले हमने बोला हॉट वाटर, वाटरमेलन, फ्रूट्स, फिर उसके बाद आपका शरबत हो गया. अब बैठो चाय के साथ. अब चाय के साथ आपको ज्यादा, बिकॉज आपने ये शरबत में काला नमक डाल दिया, नमक से रोजा खोल दिया, ये तो आपका सॉल्ट स्वीट बैलेंस ऑलरेडी. अभी बॉडी ऐसा भाव भाव भूख नहीं चाहिए है ना. डेट्स भी खा लिया तो शुगर भी एलिवेट हो गया, नमकीन का भी दब गया, तो अब बॉडी बैलेंस में आ गई. अब आप खाएंगे तो आप ऐसे भूखे कौले भूखा नहीं खाएंगे. अब आपका थोड़ा सा ही मन करेगा
पकोड़ा भी खाने का, एक कटोरी कभी कभी, या कटलेट का, या फिर ये जो अपन ने बोला ये मुठियाज एंड ढोकला एंड वगैरह, थोड़ा सा वो चाय आप पी लो, नाउ यू आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। अब आप इमीडिएट खाना खाना है, एक घंटे के बाद अपना नॉर्मल खाना खाइए, जितनी भूख है उतना ही। सो रमजान में डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन द किचन, इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज जितना आप टेस्टी बनाओगे उतना खाओगे उतना फ्रेश। डू नॉट स्पेंड टाइम इन द किचन। तो आपका देखिए मैंने सहरी आसान पर बर्बादी इतना बर्बाद है ना वो टाइम के, पूछो मत के बना रहे हैं अच्छा स्किन पे गैस के आगे खड़े रहकर बना रहे तो आपकी स्किन खराब हो रही है, आप थक रहे हैं ना, वो जो थकान इससे अच्छा मैं तो एक घंटा सो जाओ ना, वो किचन में क्यों बर्बाद कर रहे हो इतना टाइम, इससे अच्छा योर बॉडी नीड्स रेस्ट। आपको रोजे में बॉडी को रेस्ट देना है, 2 घंटे किचन में अंडे हिलाने के लिए नहीं रखा है यार, यू रेस्ट एट दैट टाइम, टेक गुड 1 आवर फ्लैट रेस्ट। अपन बैकग्राउंड पे आई हो गया रमजान डाइट, फैंटास्टिक, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह, मीट आफ्टर रमजान। मेरे को बोल कितना वेट लॉस, अच्छा अगर ये फॉरगेट वेट लॉस, अगर वेट पुट ऑन भी नहीं किया ना मैं बोलूंगी सक्सेस। तो वेट बिफोर रमजान सब लोग चेक करो, है ना, सब चेक करिए। मेरा पिछला 2 किलो उतरता है रमजान में। हां तो वेरी गुड, एज लॉन्ग एज उतरता है हर रमजान में, वेरी गुड वेरी गुड। अगर उतर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो कंटिन्यू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो फिर अलाउड है। दो खाओगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज, अपने पास वहां पे ब्रश नहीं अंदर घस के चिकना निकालने का, जब प्लेट दोगे ना उससे समझ जाना, अपने आप पे रहम करना कि ये मेरे अभी बॉडी में गया है और मेरा यहाँ पे तो मैं रो रही हूँ लेकिन अंदर धोने वाला कोई नहीं है। जब मैं वो प्लेट देखती हूँ ना मुझे बहुत अफसोस होता है, ये कचरा मेरे अंदर अब चला गया तो अब मेरा तो, डोंट डू दैट। जब प्लेट धोने में आपको इतना टाइम लग रहा है तो फिर कैसे बॉडी साफ करोगे, इट्स नॉट राइट। मतलब वाकई में बहुत अब्यूज है। तो प्लेट में जितना घी लगेगा ना समझ लेना उतना जहर आपका पेट के अंदर गया, ये तो साफ हो गया, अंदर का नहीं साफ। अंदर का साफ करने के लिए 3 घंटा जिम में जाओ, कर सकते हो नहीं कर सकते हो तो चुपचाप खाने पे यहाँ पे दिख लो, सिंपल है। सो डोंट डू दैट, यू कांट अब्यूज योर बॉडी, बिकॉज ये आपने अपने आप को गिफ्ट नहीं दिया, ये अल्लाह के तरफ से गिफ्ट है, नेमत है, तो उसको नेमत की तरह हिफाजत करना तुम्हारा ये कर्म है, इट इज योर ड्यूटी। ये बॉडी आपको मिली है या आपकी कुछ नहीं है, इसमें मिलिए तो उसकी इज्जत करो यार, यू कांट अब्यूज योर बॉडी, इसका भी हिसाब है। इसीलिए यू विल सी बुद्धिस्ट कम्युनिटी में वो लोग, मैं आई वाज कहीं मैं गई थी अभी हॉलीडे के लिए, तो आई वांट टू जस्ट वहां पे मॉनेस्ट्री, प्लीज एडिट दिस एंड डोंट गेट दिस, बट आई गो, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई डोंट गो इन दिस, नॉट मैम, आई डोंट गो टू टेंपल, बट दिस बुद्धिस्ट वाज देयर स्टैच्यू, एवरीवन वेंट, आई वेंट सॉ, and I was very curious to read, मेरे को बुद्धिज्म का बहुत इंटरेस्ट है, मैं पढ़ती हूँ तो काफी कुछ कुछ चीजें ना जिंदगी का तौर तरीका बहुत अच्छे से बताती हूँ। तो उसमें they were saying कि what are the 12 truth with the हर एक स्टेज ऑफ लाइफ पे, तो बहुत इंटरेस्टिंगली मैं पढ़ रही थी, तो उसमें एक बहुत अच्छा चीज आया था कि आपको अटैचमेंट जो है ना सबसे पहले उसके ऊपर तवज्जो दीजिए, और उसमें ये अटैचमेंट खाने का अटैचमेंट लिखा,
आपका जो खाने से अटैचमेंट है ना, आपका स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी नहीं जब तक आप खाने का अटैचमेंट रहेगा। ये तो अपने रोजे बनाएंगे कम, और वहां पे लिखा है हर टाइप का आपका डिजायर पे कंट्रोल। ऐसा नहीं डिजायर अ बैड, व्हेन दे से डिजायर, बट यू कैन नॉट गेट अटैचमेंट इज बैड, डिजायर इज नॉट बैड, अटैचमेंट इज बैड एनी वन इन एनीथिंग। तो लोगों ने सबसे पहले खाने को, व्हिच आई वाज सो टच्ड एंड व्हेन आई जस्ट नोटिस्ड इट, तो कभी भी मेरे मन में बोला यार प्लीज अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो ये पहले कब अपने आप पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। कपड़े का कोई भी चीज रखना है जो भी है, अटैचमेंट टू फूड वाज लाइक मेजर, आई वाज लाइक वाओ, सो इट इज नॉट गुड, आपका स्पिरिचुअल उसमें भी नहीं हो पाएगा। खाली बेसन ले लीजिए, रवा ले लीजिए, आटा ले लीजिए, इसमें दूधी घर को हरी मिर्ची, हरे नमक, अदरक लहसुन डाल के उसका आटा जैसा बना दिया और उसको ऐसे लंबे लंबे रोल टाइप जैसा, मतलब ऐसे डाल दो ब्लॉक।